हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है हिज और हर करंट फीलिंग्स फॉर यू। तो टैरो में से आज हम 5 कार्ड लेंगे और लव और एकल में से 10 कार्ड। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। पहला ही कार्ड है द सन का। तो ये तो टैरो का बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है। जैसे यहाँ पे सब लोग झूम रहे हैं, वैसे ही शायद आपके ख्यालों में काफी ज्यादा खोए हुए हैं। भले ही रात की बात चल रही है अभी, मतलब नाइट टाइम है, फिर भी जब भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं, उन्हें एक अलग तरह की खुशी भी महसूस हो रही है। और जैसे ब्राइटनेस में सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, वैसे ही शायद आपसे जुड़े कई सारे सपने उन्हें शायद आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से इनका दिल शायद ऐसा कुछ झूम रहा है। फिर है 4 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। थोड़े से सोचते हुए इमोशनल बन चुके हैं और शायद इसी वजह से बात को एक्सप्रेस करने के लिए क्या कहना चाहिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है अगर कोई मेल पर्सन है तो ड्रिंक्स वगैरह भी लेते होंगे, और अगर फ्रेंड सर्कल में भी काफी ज्यादा मशहूर है तो उनके शायद कोई फ्रेंड भी इनको हेल्प करने को तैयार है कि तू इतना ज्यादा सोच मत, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तो इस तरह की कोई बातें हैं जो उन्हें थोड़ी सी इमोशनल बना रही हैं, और उनके दोस्त शायद उनको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्यार है, ये सब चलता रहता है, तो अपने जज्बातों में खोए हुए हैं जो आपसे कनेक्टेड है। फिर है पेज ऑफ सॉर्ट्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। इमैच्योर बिहेवियर थोड़ा सा हो सकता है इनका अभी, क्योंकि क्लैरिटी तो मिल चुकी है उन्हें बात क्या करनी है, ये जानते तो है, लेकिन बात सही से कह पाने का तरीका उन्हें नहीं आ रहा। मतलब अगर काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो हो सकता है अगर ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं तो शायद ये पर्सन आपके सामने रो भी पड़े, इतना ज्यादा शायद कोई बात उन्हें थोड़ा सा परेशान कर रही है। फिर है 9 ऑफ सॉर्ट्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी है ये पर्सन शायद स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक नया सवेरा है और फिर भी ये लेडी जो है वो सो नहीं पा रही है। रात भर शायद इसने कुछ बुक्स वगैरह भी स्टडी की है, तो ऐसे ही शायद डीप थिंकिंग काफी ज्यादा उनकी हो रही है, जिसकी वजह से शायद रात का वक्त उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इतनी ज्यादा ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। मतलब सुबह होते होते शायद ये पर्सन थोड़े से सो जाते होंगे, लेकिन सुबह तक का माहौल तो शायद काफी ज्यादा परेशान करने वाला ही होता है, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने डीपेस्ट थॉट्स के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, और कहीं ना कहीं इनके जो डीपेस्ट थॉट्स है वो आपसे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। फिर है 5 ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे सब लोग मिलके कुछ प्लान कर रहे हैं, ये जो कुछ पका रहे हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ पे जो हम कहावत कहते आ रहे हैं कि सब लोग मिलके कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, तो वैसे ही शायद ये अपने फ्रेंड सर्कल से भी कोई हेल्प ले रहे हैं अपनी पसंदीदा कोई खिचड़ी पकाने के लिए। और ये कोई और खिचड़ी नहीं है, ये आप दोनों के प्यार की खिचड़ी है जो पकने के लिए शायद कई सारे लोगों की हेल्प इन्हें चाहिए, और शायद राइट नाउ भी वो उन्हीं लोगों से थोड़ी हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में कुछ चाहते हैं। देखते हैं उनके जज्बात क्या है। यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। तो सिर्फ आपका ख्याल ही इनके लिए काफी होता है कि इनका मूड पल भर में सैड से हैप्पीनेस में बदल जाता है। तो काफी ज्यादा पैशनेट सोल भी ये फील करते हैं खुद को जब ख्याल आपका होता है। फिर है यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। तो जिस तरह से भी आपका इनको होल्ड करना है, यानी कि अगर कभी आपने इनका हाथ थामा है तो उन्हें ये एहसास हो रहा है कि आप उन्हें इस तरह से होल्ड करते हैं जैसे आप
उन्हें जाने नहीं देना चाहते। मतलब अगर कभी आप मिलते हैं और ये पर्सन अगर पूछते हैं तो मैं चलूं, तो आपका मन नहीं करता होगा कि आप उन्हें कहें कि ठीक है चलो फिर मिलते हैं। तो इस तरह की एनर्जी वो फील करते हैं कि आप दोनों को एक दूसरे से दूर होते वक्त कितनी तकलीफ महसूस होती है। यू होल्ड द की टू माय हार्ट, तो उन्हें पता है कि उनके दिल की जो चाबी है वो सिर्फ आपके पास है, और अगर आप उनसे दूर है, मतलब राइट नाउ आप अपने घर में और आपके पर्सन उनके घर में, तो उनका ये जो दिल है वो लॉक एंड की के ही एनर्जी में रहता है, मतलब वो ओपन अप नहीं हो पाता। ये अलग सैडनेस में बैठा होता है और वही खिलखिलाता है जब आप उनके सामने होते हैं। यू आर माई इंस्पिरेशन, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, यानी कि एक प्रेरणा। जब भी शायद ये पर्सन निराश होते हैं, बहुत ज्यादा सैड होते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, तो शायद ये आपसे ओपन अप होने की कोशिश करते हैं, अपने दिल के जज्बात आपके सामने रखते हैं, भले ही उन जज्बातों से आपका लेना देना हो या नहीं हो। और उसके बाद जब आपकी जुबान से कुछ बातें उन्हें सुननी मिलती है, तो उन बातों की वजह से ये काफी ज्यादा इंस्पिरेशन महसूस करते हैं, मतलब उन्हें एक उम्मीद हमेशा आपकी बातों से मिलती रहती है। आई कैन लूज myself इन द डेप्थ ऑफ योर आईज, तो जब भी ये आपकी आंखों में देखते हैं, उन्हें लगता है कि वो खुद को खो रहे हैं, मतलब शायद आंखों ही आंखों में ये आपके दिल तक पहुंच चुके हैं और वो दिल का कनेक्शन ये फील करते हैं। यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार्स, तो जब भी आप दोनों अभी आसमान को अगर देख रहे हैं, तो ये पर्सन तारों को देखते हुए अगर किसी को याद करते हैं तो वो इंसान है आप। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी, तो किसी को भी रिस्पेक्ट करना ये तो अच्छा ही लगता है, मतलब हमें भी कोई रिस्पेक्ट दे तो हम भी सामने वाले को रिस्पेक्ट देना प्रेफर करते हैं, और यही रिस्पेक्ट ये पर्सन हमेशा आपकी आंखों में, आपकी बातों में, आपके बिहेवियर में महसूस करते हैं कि आप उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देती हैं या देते हैं, और इसी वजह से शायद ये पर्सन भी रिस्पेक्ट के साथ ही आपसे दिल से जुड़े हुए हैं। वी कैन चैट फॉरएवर, तो उन्हें लगता है कि आप दोनों अगर बातें करने बैठ जाएं तो ये बातें कभी खत्म ही ना हो, इतनी सारी बातें हैं आप दोनों के पास एक दूसरे को कहने के लिए, मतलब कम्युनिकेशन शायद उनको बहुत पसंद है आपसे। जब भी वो बातें करते हैं वो एक अलग दुनिया में खो जाते हैं। यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड, तो आपकी आंखें जब इनको देखती हैं तो ये महसूस करते हैं कि आपकी आंखों में ढेर सारा प्यार है, जो इन्हें ये एहसास दिलाता है कि इनके जैसा और कोई दुनिया में है ही नहीं, मतलब आपकी आंखें भी उन्हें एक वंडरफुल एहसास कराने में काफी ज्यादा मदद करती है। योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर, तो इन्हें शायद आपको हग्स एंड किसेस देना बहुत पसंद है और ये सोचते हैं कि इससे प्यारी चीज दुनिया में और कोई नहीं है, तो कई सारी रोमांटिक बातें हैं जिनके बारे में भी राइट नाउ ये सोच रहे हैं, और उसी सैडनेस में शायद ये खो जाते हैं क्योंकि राइट नाउ वो मिस जो कर रहे हैं आपको और आप उनके पास है नहीं। तो जनरल रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।